भक्तांबर स्तोत्र मंत्र गर्भित स्तोत्र है। इसमें मंत्रों के अक्षरों की ऐसी संयोजना की गई है कि स्तोत्र जाप से सारा काम अपने आप हो जाता है। हम आज उसी चमत्कारिक स्तोत्र के श्लोक, अर्थ, उसके मंत्र और विधि को आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रस्तुति एक दिन की नहीं है, लंबे समय तक चलेगी। आज हम केवल प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालं वनं भवजले पततां जनानां। आइए हिंदी में समझते हैं। नमन करते हुए अमर भक्तों के मुकुटमणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले एवं बहु समुद्र में पड़े हुए प्राणियों को आलंबन देने वाले जिनेश्वर देव के चरण युगल को युग की आदि में सम्यक नमस्कार करता हूँ। इसके पढ़ने की विधि है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रतिदिन एक माला फेरनी चाहिए। का क्या परिणाम है, परिणाम भी जानना बहुत जरूरी होता है। सर्व विघ्न विनाशक, प्रत्येक क्षेत्र में लाभ, सफलता और संपदा मिलती है। ओम राम रिम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रिम नमः स्वाहा। विधि एवं प्रभाव। सफेद वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का 100,000 जप करने से संपूर्ण संपदा की प्राप्ति और सौभाग्य वृद्धि होती है। इस स्तोत्र और मंत्र का जप करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों का प्रारंभ बैसाख, श्रावण, आशोज, कार्तिक, वृक्षर, पौष, माघ और फाल्गुन मास में करना चाहिए। इन महीनों के शुभ वार, शुभ तिथि एवं शुभ समय में साधना प्रारंभ करनी चाहिए। रात्रि में भूमि पर सोने का अभ्यास करना उत्तम माना जाता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मंत्र जप करते समय शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि एवं स्थान शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना काल में एकासन करना चाहिए। जब काल तक प्याज लहसुन आदि का परिहार करके सादगी पूर्ण भोजन करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित होगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं परिजनों में शेयर करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।